सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अवर 10th व्लॉग। तो आज हम अपना 11th व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको पसंद आएगा। तो ये व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भी थोड़ा सा शोर है, इग्नोर करना बकाए। जैसे पिछले व्लॉग पे प्यार दिखाए, इस व्लॉग पे प्यार दिखाना। और मतलब जो आज का जो व्लॉग है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम गए थे एलगाटो आइसक्रीम पे। तो उधर जो जब मतलब उधर मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, वेलकम करा था, लेकिन उधर शोर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने उधर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया। तो मैं इस वजह से अब अलग से इधर मतलब शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एलगाटो आइसक्रीम गए थे और उधर की आइसक्रीम सुनने में था बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। उधर का फालूदा भी बेस्ट है। तो इसलिए अब मैं सीधा व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो सीधा व्लॉग स्टार्ट होगा, उनके ओनर से रिव्यू इंटरव्यू लूँगा, तो उधर से सीधा व्लॉग शुरू करेंगे। तो आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आए। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस, अब हम आपको सबसे पहले जिलाटो आइसक्रीम के ओनर से मिलवा देते हैं और उनसे पूछते हैं उनका अपनी आइसक्रीम के बारे में क्या कहना है और क्या रेटिंग देना चाहेंगे अपनी आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बता दें ऑडियंस को। हाँ जी, मोहम्मद याया, और इसका जो जायका है फुल फ्रेश और बहुत ही अच्छा है। सही। और जो खाने वाले भी इसको हैदराबाद के लोग पसंद कर रहे हैं। हमारा जो फालूदा है वो भी हैदराबाद में सबको फालूदा बनाने वाला है। जिलाटो आइसक्रीम का ओनर का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया दोनों की आइसक्रीम हैदराबाद का कहना था उनकी आइसक्रीम हैदराबाद की बेस्ट आइसक्रीम है, उनका फालूदा भी सबसे बेस्ट है। तो अभी उनकी आइसक्रीम का रिव्यू लेते हैं, स्लोमो लेते हैं और टेस्ट करते हैं कैसी आइसक्रीम। तो गाइस, अभी आपने आइसक्रीम के स्लोमोज देख लिए होंगे। अब हम आइसक्रीम के बारे में जानेंगे कि इन आइसक्रीम के फ्लेवर्स के क्या क्या नाम है और अभी हम देखेंगे आइसक्रीम में कौन कौन सी खासियत है। जी, तो फिर ये ओनर के बेटे हैं, तो ये अभी हमें आइसक्रीम का नाम बताएंगे और आइसक्रीम के बारे में बताएंगे। ये कैडबरी है, ये ब्राउनी है, ये बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, ओरियो है, बाउंटी है, ये कुल्फा बादामी है, टूटी फूटी है, वनीला है, पाइन एप्पल है, रॉयल कुल्फा है, टूटी फूटी है, मैंगो है, पिस्ता है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी चीज केक है, चीज़ केक है, ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी है, ये ब्लूबेरी चीज़ केक है, और ये काजू है, ये पीच है। तो फिर भाई ने अभी अभी आइसक्रीम्स के हमें नाम बता दिए और हमने आइसक्रीम के स्लोमो भी बना दिए। तो अब हम ज़रूर से मतलब एक हाथ आइसक्रीम का टेस्ट देंगे और आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो अभी सिकंदर रजा भाई हमें गिलाटो आइसक्रीम की स्पेशल आइसक्रीम बनाकर दे रहे हैं, तो टेस्ट करते हैं कैसी आइसक्रीम है। तो अभी अभी रजा सबसे पहले फ्लेवर ट्राई करेगा और वो बताएगा कैसा है। बहुत अच्छी बादाम आपको, ये तो रजा को ये आइसक्रीम पसंद आ रही है, बहुत अच्छी। मेरे को भी खिला दो एक चम्मच, मेरे को भी एक चम्मच खिला। मजा ही आ गया। तो भाई जब इधर एक और फ्लेवर पड़ा है, तो अब ये मैं खा कर ट्राई करता हूँ।
राइस इतनी ज़बरदस्त है, एक चम्मच खा लिया दिल कर रहा है बार बार खाता जाऊँ। इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम मैंने आज तक खाई। आई थिंक ये वनीला फ्लेवर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई अभी भी रज़ा खा रहा है और मैंने भी इधर थोड़ी सी खा ली है। मेरे को ये आइसक्रीम खा के बहुत मज़ा आ गया। तो अब वो पता नहीं बोल रहे हमें स्पेशल फालूदा बना रहे हैं, हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का फालूदा। चलिए वो देखते हैं और वो फालूदा कैसा है। तो अभी ओनर आए हमसे पूछ रहे थे आइसक्रीम आपको कैसी लगी, तो हमें आइसक्रीम खा के तो बहुत मज़ा आ गया। तो फिर अभी भाई एक स्पेशल फालूदा बना रहे हैं एक तरीके से, तो अब हम वो देखते हैं क्या खासियत है इनके स्पेशल फालूदे में। तो भाई ने अभी कहा हम बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, एकदम प्योर फालूदा बनाते हैं। तो भाई ने अभी हमें बताया कि फालूदे के अंदर स्पेशल आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं कुल्फा, और दूसरी कौन सी है, टूटी फ्रूटी, और दूसरी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये भाई ने आइसक्रीम डाल दी है, स्पेशल रबड़ी है, हम हाजी रबड़ी की असल ओरिजिनल रबड़ी इस्तेमाल करते हैं, और ये ओरिजिनल हाजी रबड़ी डल रही है। इन्होंने कहा इनकी स्पेशल रबड़ी है बिल्कुल एकदम, और ये आई थिंक जेली है, ये जेली है रिफान वालों की, कौन रिफान वालों की जेली है। बताया कि भाई बिल्कुल भी हम क्वालिटी के मामले में हम बिल्कुल भी नीचे नहीं रहते, एक नंबर क्वालिटी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल एक नंबर माल इस्तेमाल करते हैं, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं। अभी अभी भाई ने ये क्या डाला अपने, मलंग, और ये ऊपर से आए बादाम पिस्ता मिक्स आ गया, मिक्सचर आ गया है, ये विजॉन हम ओरिजिनल विजॉन टॉपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओरिजिनल विजॉन टॉपिंग। ये रेड चेरी है, ये रेड चेरी आ गई है, और अब ये हमारा फालूदा रेडी हो चुका है और रेडी होकर कुछ ऐसे लुक्स दे रहा है। सो गाइस भाई अभी स्पेशल फालूदा बना के लिया है, जो इनका स्पेशल फालूदा है, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा फालूदा है। अभी भी हम इनका स्पेशल फालूदा ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं टेस्ट में ये कैसा है। देखने में तो बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही एक्सीलेंट लग रहा है, तो अभी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले रजा एक निवाला लेगा और बताएगा कैसा लगा। उसको फालूदा बहुत अच्छा लगा है, तो अब मेरी बारी और अब मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा फालूदा है। बहुत लेवल का फालूदा है, आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारी नंबर वन क्वालिटी चीजें हैं। अभी अभी हम अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम एलगाटो आइसक्रीम वालों से उनका रिव्यू लेंगे, लोकेटेड है अपने बारे में ये बताएंगे, तो अभी इनसे हम पूछते हैं। मैंने खाई है और पसंद की लगा, जो फालूदा था ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फालूदा, और आइसक्रीम का एक चम्मच खाया और दिल करा था बार बार खाऊं। तो भाई अब बताते हैं अपनी लोकेशन, बताते हैं आइसक्रीम शॉप किधर लोकेटेड है। तो भाई अभी अभी भाई ने हमें बताया, आपने अभी सुना होगा तो भाई आपने कि आइसक्रीम कितनी स्पेशल है, तो मेरी आपसे एक ही राय है ज़रूर से आके ट्राई करिए भाई, क्योंकि आइसक्रीम बहुत स्पेशल है। इन्होंने भाई ने बताया कराची से आती है, और फालूदा में भी इन्होंने फालूदे के बारे में बताया कि मतलब कौन कौन सी क्वालिटी होती है, मतलब स्पेशल क्वालिटी है। तो मैं आपको एक और दफ़ा से रिपीट कर देता हूँ, सिंध हैदराबाद के अंदर लिबर्टी चौक के पास जो सिविल हॉस्पिटल है उसके सामने शॉप है एलगाटो आइसक्रीम के नाम से, तो ज़रूर से आके आप चेकआउट करिएगा। तो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।